पर तो बीकानेर से खबर है जहां गंगा शहर में पेट्रोल पंप पर हंगामा देखने को मिला। पेट्रोल पंप संचालक और पदाधिकारियों के बीच हंगामा हुआ। पेट्रोल पंप एसोसिएशन के पदाधिकारी धरने पर बैठे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बीकानेर से, जहां पेट्रोल पंप संचालक और पदाधिकारियों के बीच हंगामा हो गया। एसोसिएशन के पदाधिकारी धरने पर बैठे हुए हैं और इसी को लेकर बातचीत हो गई। उसके बाद ये बात बढ़ती चली गई। पेट्रोल पंप संचालक और पदाधिकारियों के बीच हंगामा हो गया। पेट्रोल पंप एसोसिएशन के पदाधिकारी धरने पर बैठे हुए, आपको बताया कि अलग अलग मांगों को लेकर पहले से ही ये धरना प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन वहां पर पंप संचालक और पदाधिकारियों के बीच हंगामा हो गया। रौनक व्यास हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी से आप फोन लाइन पर है। रौनक, क्या कुछ मामला है, किस मामले को लेकर ये हंगामा हुआ है और मौजूदा स्थिति क्या है? जी बिल्कुल अभिनव, देखिए पेट्रोल संचालक पिछले कई दिनों से कुछ मांगों को लेकर सरकार के सामने व्यापक रूप से जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन चूंकि अब अनिश्चितकालीन जो कह सकते हैं कि हड़ताल पर यहां पर जो है पेट्रोल संचालक चले गए। एसोसिएशन ने पूरी तरह से आज यहां पर घोषणा की है। घोषणा के बाद आज जिस तरह से लगातार तो दूसरा दिन है हड़ताल का, गंगा शहर इलाका है वहां पर पूरी तरह से विरोध प्रदर्शन चल रहा था। उसी दौरान एक पेट्रोल पंप पर कुछ पेट्रोल डलवाते हुए लोगों को देख एसोसिएशन ने संचालक के साथ यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि बदसलूकी की और पूरी तरह से एक हंगामा जो है पेट्रोल पंप पर हुआ है। मौके पर पुलिस बुलाई गई है। फिलहाल भारी संख्या में जो आम लोग हैं वो पेट्रोल को लेकर के पेट्रोल पंप के बाहर नजर आ रहे हैं। एक नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे पेट्रोल पंप हैं जहां पर ये हंगामा देखने को मिल रहा है। फिलहाल पुलिस मामले को लेकर शांत कराने में जुटी है। एक तरफ पेट्रोल एसोसिएशन के लोग हैं, दूसरी तरफ संचालक है और तीसरी तरफ आम जनता, यानी पूरी तरह से पेट्रोल नहीं मिलने से आम जनता खफा है, तो दूसरी तरफ संचालक भी जो है अब खुलकर सामने आने लगे हैं। जी अभिनव, चलिए शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है ये।